हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप गूगल पे ऐप में प्राइमरी अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड, अगर आपने गूगल पे ऐप में एक से अधिक बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हैं और जो भी आपका गूगल पे में प्राइमरी अकाउंट है उस प्राइमरी अकाउंट को चेंज करके कोई नया बैंक अकाउंट को वहाँ पर प्राइमरी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से गूगल पे में प्राइमरी अकाउंट को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को आपको एंड तक देखना फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो प्लीज एक बार लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए बिना देर किए चलते अपने फोन की स्क्रीन पे और जानते हैं ट्रिक। देख सकते हम अपने फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब आपको यहां से बताएंगे कि कैसे आप गूगल पे ऐप में प्राइमरी अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा देख सकते हैं फ्रेंड, हम अपने फ़ोन में गूगल पे ऐप ओपन कर चुके हैं और आ चुके हैं गूगल पे ऐप के होम स्क्रीन पे। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहले ऊपर साइड देखेंगे, यहाँ पे कोने साइड आपका प्रोफाइल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर साइड देख सकते हैं आपका आईडी नेम देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका मोबाइल नंबर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक मतलब सेटिंग देखने को मिल जाएगा सेटअप पेमेंट मेथड का। इसी में देखेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट में दिखाई देगा बैंक अकाउंट, तो आपको बैंक अकाउंट में वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो देखेंगे कि आपके गूगल पे में जितने भी बैंक अकाउंट आपने ऐड करके रखे होंगे वो सभी बैंक अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमारे बैंक गूगल पे में दो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड है। फर्स्ट में है इंडियन बैंक और सेकेंड में पंजाब नेशनल बैंक। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है वो प्राइमरी अकाउंट है, नीचे साइड देख सकते हैं, सेविंग अकाउंट के नीचे साइड देख सकते हैं प्राइमरी अकाउंट यहाँ पे लिखा है। तो अब क्या करना है कि इसे हमें चेंज करना है और इंडियन बैंक को हमें प्राइमरी अकाउंट बनाना है गूगल पे में। तो इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, यानी कि अपने प्राइमरी अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने प्राइमरी अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी अकाउंट है आपका, यानी कि हमारे में देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट है, तो इस प्राइमरी अकाउंट को हम डिलीट करेंगे यहाँ से, तभी यहाँ पे हमारा इंडियन बैंक प्राइमरी अकाउंट होगा। तो सबसे पहले इसे डिलीट करने के लिए क्या करना है फ्रेंड, ऊपर साइड यहाँ देखेंगे कोने साइड आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे आप थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव अकाउंट का, आपको रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे आप रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे के साइड आप देखेंगे कैंसिल और कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो पंजाब नेशनल प्राइमरी अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा आपके गूगल पे में से, और जो आपका यहाँ पे इंडियन बैंक है वो प्राइमरी अकाउंट मतलब कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से बैक आना, सीधे बैक आने के बाद अब आपको फिर से अपने इंडियन बैंक को क्लोज कर देना, फिर से ओपन करना है फ्रेंड। यहाँ पे ओपन करने के बाद फिर से अपने प्रोफाइल पे चले जाना है और यहाँ पे फिर से अपने यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा इंडियन बैंक है वो प्राइमरी अकाउंट हो चुका है और जो पंजाब नेशनल बैंक है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने गूगल पे में प्राइमरी अकाउंट चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे आप अपने गूगल पे में प्राइमरी अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।